जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद मुरादाबाद की पीतल की चमक देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, इसलिए जनपद मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस पीतल नगरी की चमक उस समय और बढ़ गई जब ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों द्वारा मिस प्राची भटनागर को एशिया में मिस यूपी टाइटल प्राप्त होने पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ग्लोबल काइस के पदाधिकारियों ने प्राची भटनागर को बुके और मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया, जबकि सम्मान कार्यक्रम में राजीव सक्सेना, महासचिव उत्तर प्रदेश पश्चिम, विपुल सक्सेना, जिला अध्यक्ष अखिलेश सक्सेना, जिला सचिव रामबाबू भटनागर जी, राजीव भटनागर, मुनीश भटनागर आदि कायस्थ समाज के महानुभाव शामिल रहे। प्राची भटनागर जी, आप मिस एशिया से यूपी से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कृपया इस बारे में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मिस यूपी एशिया इंटरनेशनल का टाइटल मिला है। अच्छा, ये आज जो है ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारीगण आपका, क्योंकि आप काइस्ट परिवार से हैं तो आपके सम्मान के लिए आए हैं, आप क्या मैसेज काइस्ट समाज को देना चाहती हैं और ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस को देना चाहती है, कृपया बताएं। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों को अपना पहले तो प्रोफेशनल जो एम होता है उसको अचीव करना चाहिए, देन उसके बाद अपना जो पैशन होता है उसके लिए वर्क करना चाहिए, क्योंकि पैशन और अपना प्रोफेशन दोनों को साथ लेके चले वो अच्छा रहेगा यूथ के लिए। अच्छा, आगे की भविष्य की क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, कुछ बताइए। अभी आगे का देखते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, बट अभी आगे मुझे अपना मास्टर कंप्लीट करना है, देन उसके बाद मुझे स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए थोड़ा वर्क करना है, क्योंकि मुझे अपना जो इंटरेस्ट है वो स्पेशल चाइल्ड की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगी? जो भी टीम है ये मैं चाहती हूँ आगे और प्रोग्रेस करें, और मुझे अच्छा लगा कि ये जो टीम है सबके लिए काम करती है, उनके लिए सोचती है। थैंक यू।